हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूं नई गुड़ और पुरानी गुड़ के बेमिसाल फायदों के बारे में, क्योंकि नया गुड़ अलग तरीके से फायदेमंद है और पुराना गुड़ अलग तरीके से फायदेमंद है। इस वीडियो में मैं आपको तीन चीज़ों को कवर कर रही हूँ। फर्स्ट चीज़ तो आपको नई गुड़ और पुरानी गुड़ के फायदे बताऊंगी। दूसरे में आपको पता लगेगा कि वात, पित्त और कफ में गुड़ का इस्तेमाल हमने किस किस चीज़ के साथ करना है, क्योंकि इन तीनों समस्याओं में गुड़ का इस्तेमाल अलग अलग के साथ ही किया जाता है। इसके अलावा तीसरी जो चीज है वो है वात, पित्त और कफ को बैलेंस करने के चार नियम कौन से हैं, जिन्हें जान लेना बहुत जरूरी है। हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम के हिसाब से गुड़ की जो प्रकृति है, जो नेचर है, वो क्षारीय बताया गया है, यानी कि एल्कलाइन बताया गया है। ये अम्लीय नेचर का नहीं होता। जिनको भी हृदय से संबंधित कोई भी समस्या होती है, उनको क्षारीय प्रकृति की चीजों का ही सेवन करना चाहिए। तो अब मैं आपको सबसे पहले पॉइंट के बारे में बताने जा रही हूँ कि नया गुड़ कैसे फायदेमंद है और पुराना गुड़ कैसे फायदेमंद है। ये नया गुड़ जो होता है ना, वो पचने में भारी होता है। जो लोग अपने वजन को बढ़ाना चाहते हैं, जिनका डाइजेस्ट सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिम वगैरह जाते हैं, तो उनको नई गुड़ का सेवन करना चाहिए। दूसरी तरफ बात करें पुराने गुड़ की, तो पुराना गुड़ नए गुड़ से कहीं ज्यादा फायदेमंद है, यानी हमें पुराने गुड़ का सेवन करना चाहिए। पुराना गुड़ जो होता है ना, रंग में काला सा होता है, गहरा सा होता है, बहुत सुंदर नहीं दिखता, लेकिन उसके गुण बहुत ज्यादा है। ये हृदय रोगियों के लिए बहुत अच्छा है, पचने में बहुत हल्का होता है, ये शरीर को ताकत देता है, हमारे शरीर में से वात यानी वायु को बाहर कर देता है, ये वीर्य को बढ़ाता है। ठंड के दिनों में कुछ लोगों के जोड़ों में दर्द होने लगता है, उनको सूखी खांसी रहने लगती है या सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, तो पुराने गुड़ का उनको सेवन करना चाहिए। ऐसे सभी लोग जिनके जोड़ों में दर्द रहता है, सांस की बीमारी है, वात की बीमारी है, या वात के कारण उनके बाल बहुत झड़ते हैं, स्किन बहुत ड्राई रहती है, जोड़ों में से आवाज़ आती है, तो पुराने गुड़ का सेवन उन्हें करना चाहिए। अब मैं आपको साइंटिफिक तौर पर अगर पुराने गुड़ के फायदे बताऊं, तो इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फास्फोरस, कैल्शियम और आयरन होता है, जो हमारी हड्डियों को ताकत देता है, दांतों को मजबूत करता है और शरीर में खून की कमी नहीं होने देता। तो अब मैं बात करती हूँ दूसरे पॉइंट की, यानी कि वात, पित्त और कफ में हमें पुराने गुड़ का इस्तेमाल किस किस चीज के साथ करना है, ये जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकेला गुड़ नहीं, इसके साथ हर एक के साथ एक एक चीज का सेवन करना है, वो जान लीजिए। जिस इंसान को वात की समस्या है, यानी वायु की समस्या है, शरीर के अंदर बहुत ज्यादा गैस बनती है जो जाकर शरीर में घूमती है, जिसके कारण अलग अलग जोड़ों में दर्द होता है, कभी कहीं दर्द हो रहा है, कभी कहीं दर्द हो रहा है, कभी कमर में, कभी कूलों में, कभी हाथों में, कभी बाजुओं में, यानी अलग अलग जगह पर जोड़ों में दर्द होता है, ये बॉडी में वात के बढ़ने से होता है। तो आपने क्या करना है, सौंठ लेनी है, दो चुटकी सौंठ ले लीजिए और आपने एक चम्मच पुराना गुड़ लेना है। इन दोनों चीजों को आपने गुनगुने पानी के अंदर मिक्स कर लेना है, उसके बाद आप पी लीजिए इसे। जिनके पेट में बहुत ज्यादा गैस बनती है, जोड़ों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द के कारण आपको चलने फिरने में तकलीफ होती है, तो इस पानी का सेवन, यानी कि गुड़ और सौंठ वाले पानी का सेवन आपने सुबह खाली पेट करना है। बॉडी में बनने वाली जितनी भी वात है वो बाहर हो जाएगी। एक चीज का ध्यान रखिएगा, ये इस चीज का सेवन आपने फ्रेश होने से पहले करना है, ताकि मल के द्वारा वात बॉडी से बाहर हो जाए। तो चलिए बात करते हैं अब पित्त के बारे में, यानी कि जिनके पेट में बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है, सीने में एसिडिटी चली जाती है, खाना अच्छे से हजम नहीं होता, तो उनको पुराने गुड़ का सेवन करना है हरड़ के साथ। हरड़ आती है ना, हरड़ को आप घर पे उसका पाउडर बना लीजिए हरड़ का, और सिर्फ दो चुटकी हरड़ का पाउडर लेना है और एक चम्मच के करीब ही आपने पुराना गुड़ लेना है। गुनगुने पानी में मिक्स करिए और दिन में कभी भी पी लीजिए, पित्त दोष को खत्म करने के लिए, यानी कि एसिडिटी और जलन को दूर करने के लिए आप दिन में कभी भी पी लीजिए, बस रात के टाइम सेवन नहीं करें। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कफ के बारे में, कफ के अंदर गुड़ का सेवन कैसे किया जाता है। कफ के साथ साथ एक और चीज, जिनकी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, जिनका लीवर बहुत फैटी है, या फिर जिनको थायराइड की समस्या है, जिनको ठंड बहुत ज्यादा लगती है, तो उन लोगों ने एक चम्मच पुराना गुड़ लेना है और आधा चम्मच आपने अदरक क्रश करी हुई लेनी है, यानी कि कूटी हुई, किसी भी तरीके से उसे कूट लीजिए, कुचल लीजिए, कैसे भी,
उस तरीके से अदरक लेनी है और गुनगुने पानी में मिक्स करके छान कर आपने इस पानी को सुबह खाली पेट पीना है। ऐसा करने से जिनका रेस्पिरेटिव सिस्टम यानी कि सांस लेने की जो प्रक्रिया है वो सही से नहीं हो पाती, सूखी खांसी रहती है, बहुत तकलीफ होती है जब वो सांस लेते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सांस भर जाती है, या फिर आपकी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, लीवर फैटी है, तो उनको अदरक के साथ पुराने गुड़ का सेवन करना। तो चलिए अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट के बारे में, यानी कि वात पित्त और कफ को बैलेंस करने के लिए गुड़ का इस्तेमाल कैसे करना था, ये तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके लिए चार नियम हैं जिन्हें जान लेना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहली चीज है, वात पित्त और कफ कभी नहीं बिगड़ेगा, आप खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीजिए, क्योंकि खाने को पचने के लिए पानी की नहीं अग्नि की जरूरत होती है। तो कम से कम 1 घंटे का गैप होना चाहिए खाना खाने के और पानी के बीच में। तो अब बात करते हैं दूसरे नियम के बारे में, हमारी लार के अंदर क्षारीय प्रकृति बहुत ज्यादा है, जितनी ज्यादा लार हमारे पेट के अंदर जाएगी हमारा खाना उतना ज्यादा अच्छे से पच सकेगा। इसीलिए आपको क्या करना है, पानी हमेशा एक एक घुट करके पीना है, कभी भी गट गट करके पानी नहीं पिए। जब आप एक एक घुट करके पानी पियेंगे तो उतनी ज्यादा लार हमारे पेट के अंदर जाएगी और खाना अच्छे से हजम हो जाएगा, ना वात की समस्या बनेगी, ना पित्त की और ना ही कफ। तीसरा नियम है, कभी भी ठंडा पानी नहीं पिए। ठंडा पानी पीने से हमारे अंदर क्षारीय प्रकृति मल या फिर मूत्र के द्वारा बाहर चली जाती है, खाना अच्छे से नहीं पच सकता और अम्ल शरीर में बढ़ने लगता है, जो कि इन सभी बीमारियों का कारण बनता है। अब बात करते हैं चौथे नियम की। चौथा नियम है, हमेशा सुबह उठकर गुनगुना पानी जरूर पीजिए, उठते ही बासी मुंह। जब आप उठते ही बासी मुंह गुनगुना पानी पियेंगे और आपने उससे पहले कुरला नहीं करना, ऐसा करने से जो मुंह की लार है वो ज्यादा से ज्यादा अंदर जाएगी। पानी धीरे धीरे करके पीजिए। ये चारों नियमों का जब आप पालन करेंगे तो वात पित्त और कफ का बैलेंस हो जाएगा। तो ये थी बहुत ही खास इन्फॉर्मेशन कि नए गुड़ और पुराने गुड़ के फायदे क्या हैं, इसके अलावा वात पित्त और कफ के अंदर गुड़ का इस्तेमाल हमें किस किस चीज के साथ करना है और नियम कौन से हमने फॉलो करने हैं। उम्मीद है आपको ये बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर करिएगा वीडियो को, क्योंकि आपका लाइक मुझे मोटिवेट करता है। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप जरूर पूछिए, आपकी हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। अगर आपके कोई ऐसे सवाल हैं जो आप मुझे कमेंट नहीं कर सकते तो आप मुझे मेल कीजिए, मेरी जीमेल आईडी है divyadhawanhealthtips@gmail.com। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं और ये वीडियो आपको अच्छी लगी, आपके काम की है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज आप तक पहुँचती रहे। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।